इंटरनेट के ऊपर 4 साल लगभग लगभग निकालते हुए मैंने कुछ ऐसे तरीके निकाले जिनसे आप एज एन बिगनर अच्छा पैसा कमा सकते हो, चाहे अभी आपने लाइक 12th पास किया हो या लाइक स्कूल के अंदर से ग्रेजुएट होकर के कॉलेज के अंदर निकलने वाले हो, BSc परस्यू करने वाले हो, या फिर अभी 11th के अंदर आए हो, हाई स्कूल पास किया है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे पार्ट टाइम करके तुम एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स बना सकते हो। बस कंसिस्टेंटली 2 से 4 घंटे डेली इसको देना है, एंड हाँ कंसिस्टेंटली देना है मतलब देना है विद ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 months तुम्हारी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाएगी इन चीज़ों से। यदि तुम सोच रहे हो गेट रिच क्विक स्कीम है कि 5-10 दिन के अंदर अर्निंग आ जाएगी, वो भी है इस वीडियो के अंदर, तो कम्प्लीटली लास्ट तक देखना, तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से तुम सारी चीज़ें कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला आता है फ्रीलैंसिंग या फिर अपनी सर्विसेज किसी और को देना। आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, तुम मैन्युअली भी जा सकते हो यदि तुम्हें काम जल्दी चाहिए तो, या फिर फाइबर हुआ, अपवर्क हुआ, ऐसी बहुत सारी फ्रीलैंसिंग साइट्स है, उनके ऊपर जाकर के अपना अकाउंट बनाओ एंड अपनी सर्विसेज ऑफर करो। सर्विसेज के अंदर हो सकता है तुम्हें वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती हो सकता है तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती हो सकता है तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग आती हो सकता है तुम्हें कैमरा पे मेरी तरह बात करना आता हो। यदि कैमरा पे इस तरीके से बात करना आता है तो लोगों के पास जाओ, जाकर के लाइक वहाँ पे गिग्स होती है, तुम्हें बस एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, तुम्हें कैमरे के ऊपर आना है, उसको बोलना है, या तो एक एडवर्टीजमेंट शूट करना है या फिर फॉर फन कोई करवाता है तो वो शूट करनी है, एंड तुम इजीली इसके $25 से ऊपर चार्ज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट है फॉर योर हाफ एन आवर वर्क। 30 मिनट लगेगी तुम्हें शूट करके एडिट करके उसको, 1.5 मिनट की वीडियो होगी वो, उससे ज़्यादा लंबी होगी तो $25 से ऊपर का रेवेन्यू होगा ऑफकोर्स, तो तुम इजीली शूट करके उसको दे सकते हो यदि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लाइक तुम अपनी पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंट मनी चाहिए, तो तुम ये वाला काम भी कर सकते हो। बट हाँ, एक बार चेक कर लेना किसके लिए है, या फिर तुम्हें लोगोज डिज़ाइन करना आते हो, यदि कोई लोगो डिज़ाइनर है तो पिंग करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें काम देता हूँ अभी के अभी, मुझे 2-4 logos बनवाने हैं, देन जस्ट मैसेज में। यदि अच्छे लोगो डिज़ाइनर हो, प्रोफेशनल हो तो ही करना, वरना मत करना दूर से ही, मतलब कि ये सो जब मैं प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ रहा हूँ तो तुम भी प्रोफेशनल लोगों को ढूंढ रहे होंगे, तो सिंपली जाइए, जा करके अपनी गिग्स बनाइए और ऐसे प्रोफेशनल लोग होंगे जो आपको हायर करेंगे, एंड देन आपको एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर सकते हो आप उनसे स्टार्टिंग स्टेज के अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा कूल है, लाइक तुमने कोई एक स्किल सीखी, लेट्स से वीडियो एडिटिंग, सीखने में कितना दिन लगता है, एक महीने डिसेंट वीडियो एडिटिंग सीखने के अंदर लगते हैं, बाद में टाइम के साथ इंप्रूव करोगे। कलर ग्रेडिंग सीखने के अंदर तुम्हें एक, यदि हाई एंड PC है तो तुम्हें मैन्युअली वीडियो शूट करनी पड़ेगी, शूट करके उसके हिसाब से एडिट करनी पड़ेगी, कलर थीम समझनी पड़ेगी, ऑरेंज टील हुआ, 2-4 color schemes बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ इसके अंदर, तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस सिचुएशन को कि लाइक कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे है क्या नहीं है। ऑल्दो मैं एक वीडियो एडिटिंग एजेंसी मैनेज करता हूँ, बट लाइक आई हायर द स्टाफ एंड आई सोर्स आउट द वर्क, ओके, सो मेरे स्टाफ सारा काम देखता है, बट स्टिल ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज फ्यू थिंग्स कि हाँ तुम पहले अपनी स्किल के ऊपर काम कर लो एंड देन तुम्हें काम ज़रूर मिलेगा। सेकेंड पॉइंट जिसके अंदर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में बहुत गिनती के लोग कर रहे हैं अभी भी, और कंपटीशन उतना ज़्यादा है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बारे में एक तो राइट लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है यूट्यूब के ऊपर, सो मैं कुछ अच्छी बातें डीप बातें बताने वाला हूं, तो मैं तो गौर से समझना। अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, इन शॉर्ट समझाऊं तो, मेरा कोई प्रोडक्ट है ठीक है, तुम उसको किसी और को सेल करते हो तो तुम्हें बीच में एक कमीशन मिलता है, मोटा मोटा यही है अफिलिएट मार्केटिंग। मेरे प्रोडक्ट को तुम अपनी ऑडियंस को सेल कर रहे हो और बीच में तुम 40% 50% कमीशन रख रहे हो, दिस इज़ ऑल अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग। ये छोटा सा अफिलिएट मार्केटिंग का सारा गेम है। अब तुम्हें बताता हूँ करनी कैसे। सबसे पहले अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, ऑडियंस बिल्ड करनी है, ये ना अमेजन की हुई, ये सारी चीज़ें हुई, यूट्यूब के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह डालना हुआ, ये ना मतलब बहुत छोटा रेवेन्यू है अफिलिएट मार्केटिंग का। जो रियल अफिलिएट मार्केटिंग होती है उसके अंदर तुम्हें वेबसाइट्स पर जाना होगा, लाइक क्लिकबैंक हुआ, CJ हुआ यदि तुम्हें डोमेन होस्टिंग की करनी है ठीक है, या फिर तुम सीधे जा सकते हो A2 होस्टिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, A2 होस्टिंग हुई, होस्टिंगर हुआ, गोडैडी हुआ, इनके अफिलिएट्स ज्वाइन कर लीजिए। अब इनके अंदर होता है रेवेन्यू हाई। अफिलिएट मार्केटिंग में तुम्हें दूसरे का प्रोडक्ट प्रमोट करना है, सेकेंडली रेवेन्यू हाई होता है। किसके अंदर, अमेजन के अंदर, तो तुम ना लाइक 1000 रुपये का प्रोडक्ट बिकवाओगे तो मैक्स टू मैक्स 50-60 रुपये उसके ऊपर कमीशन कमाओगे ठीक है। मान लो तुमने 1400-1500 रुपये की होस्टिंग भी सेल की तो तुम्हारा 3500 रुपये का कमीशन बनता है, लिटरली 1400-1500 रुपये की होस्टिंग भी बिकवाई तुमने स्टार्टिंग प्लान के अंदर तो तुम्हारा 3500 रुपये का प्रॉफिट बनता है। उस प्रॉफिट को तुम लोग यूज़ में ले सकते हो, पुट आउट कर सकते हो। कोई भी क्लाइंट है, मान लीजिए तुम यदि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की,
अब सामने वाला क्लाइंट तुम्हें कम पैसे दे रहा है, कोई बात नहीं, उसको बोलो अपनी एफिलिएट लिंक दे के चलो यहाँ से खरीद लो, तुम्हें 3,500 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो गई तुम्हारे एफिलिएट्स के थ्रू। अब कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, कई सारे डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, उनको तुम अपनी ऑडियंस के ऊपर प्रमोट कर सकते हो। ऑडियंस बिल्ड करनी है फेसबुक एड्स के थ्रू, कई सारे लोग ऑडियंस बिल्ड करते हैं, एक फ्री ईबुक वगैरह देके, धैन जो ईमेल मार्केटिंग के सीक्वेंस जाते हैं, ओहो हो क्या कॉपीराइटिंग के साथ जाते हैं, $1,000 दे देते हैं लोग बाग सिर्फ सात मेल्स का सीक्वेंस लिखवाने के लिए। 7 मेल का सीक्वेंस $1,000-3,000 के अंदर लिखवा करके ऑडियंस को भेजा जाता है। भेजने के बाद इतने अच्छे से डिज़ाइन की जाती है सारी चीज़ें कि तुम ना एक वायर मोड के अंदर चले जाते हो वहाँ से, और कन्वर्जन्स निकल करके आते हैं काफ़ी अच्छे। तो ये सारा सीन है, तुम्हारे थोड़ी डीप बातें हो गई, तो तुम इनको थोड़ा डिटेल के अंदर समझना। और यदि तुम चाहते हो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कंबाइंड डिटेल वीडियो बनाऊं, तो तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो, एक बहुत अच्छी और कंबाइंड वीडियो मैं इसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा इन फ्यूचर। थर्ड पॉइंट हुआ YouTube एज अ करियर ऑप्शन, एज अ पार्ट टाइम ऑप्शन, क्योंकि करियर ऑप्शन तुम इसको अभी कह नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बट ऑल दो YouTube के साथ साथ तुम अपनी मार्केटिंग एजेंसीज खोल देते हो, दूसरे डायमेंशंस के अंदर चले जाते हो, मैनेजिंग का वर्क स्टार्ट कर देते हो, बिजनेसेस को हैंडल करना चालू कर देते हो, या फिर इन शॉर्ट बोलो तो सोशल मीडिया एजेंसी हुई, या फिर तुम्हारी हुई वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी हुई, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हुई, इंस्टीट्यूट हुआ, कुछ भी तुम यूट्यूब के अराउंड यूट्यूब पे ग्रो करने के बाद खोलते हो, देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो तुम लोगों से सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। एंड इसके अंदर इन शॉर्ट लाइक कंटेंट कंजम्पशन की साइंस के अंदर यदि हम लोग किसी दिन बात करेंगे तो तुम्हें समझाऊंगा कि तुम जो वीडियोस देखते हो वो क्यों देखते हो, क्या सारा सीन है, कैसे तुम्हारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है ये, किस तरीके से तुम्हारा माइंड वर्क करता है, किस तरीके से पैटर्न तोड़ने होते हैं। यदि तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना है तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं शायद इसके ऊपर कोई फ्यूचर वीडियो बनाऊं। बट हाँ, यूट्यूब को तुम एज एन करियर ऑप्शन तभी चुनना जब तुम्हारे अंदर कोई रियली अच्छी स्किल हो। अच्छी स्किल इन द सेंस, या तो तुमने ना किसी फील्ड में अपने आप को प्रूफ किया हो, लाइक पिछले 3-4 साल से किसी फील्ड में हो, अच्छी अर्निंग कर रहे हो, तुम्हें आती है सारी चीज़ें, तुम लोगों को बताना स्टार्ट कर दो, या फिर तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, अपना टैलेंट शो करना चाहते हो, देन लाइक तुम जा सकते हो कि एंटरटेनमेंट फील्ड के अंदर हुआ, लाइक वाइन्स हुई, इनके अंदर जा सकते हो। यदि तुम्हें आर्ट वर्क अच्छे से आता है, तुम लाइक पिक्चर्स इमेजेस अच्छे से बनाते हो, देन तुम्हारे पास ग्रो करने के बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तुम आर्ट वर्क की वीडियो डालो बना करके, ठीक है, देन अब तुम्हें ना आर्ट वर्क तो बनाना है, स्टार्टिंग में ग्रो करना है तो तुम ना पॉपुलर क्रिएटर्स हुए, जैसे कि वीवी की वाइंस हुई, कैरी मिनाटी हुआ, अमित भडाना हुआ, इनके आर्टवर्क बना करके इंस्टा पे पोस्ट करो, यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करो, देर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो तुम्हें स्टोरीज़ के अंदर शाउटआउट दे दे, ठीक है। जिनके मिलियन फॉलोअर्स तक है वो तुम्हें शाउटआउट देंगे, लाइक 1 मिलियन और 2 मिलियन के बीच में है वहाँ तक तुम्हें शाउटआउट्स मिलता है। आगे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसा पर्सन है, बट हाँ, कोई तुम्हारा आर्टवर्क बनाएगा, तुम्हारे कितने फॉलोअर, तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगेगा, तो तुम ना उसको लाइक वो सामने वाला तुम्हें ना इनिशियल पुश दे देता है उस टाइम के अंदर, तो समझ रहे हो ना। और यदि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम एज ए नॉर्मली स्टार्ट करना चाहते हो, तो तुम ब्लॉग्स बना सकते हो, उसके अंदर भी मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड है, बाकी कंपटीशन का सामना तो तुम्हें करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सेचुरेशन आ चुका है मार्केट में। सो तुम्हारी मर्ज़ी किस तरीके से करना चाहते हो तुम लोग ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो स्किल्स है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस है, उसके अंदर तुम्हें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेगी, बट हाँ, पैसा इनिशियली स्टार्टिंग स्टेज के अंदर अच्छा आएगा। इससे यह हुआ फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स। अब तुम ना फेसबुक एडवर्टीजमेंट सीखने के बाद पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकते हो। सबसे पहला हुआ तुम अपने लोकल बिजनेसेस को पिच कर सकते हो एडवर्टीजमेंट्स के लिए, जैसे रेस्टोरेंट्स हुए, स्कूल्स हुए, ठीक है, मॉल्स हुए, इनको तुम पिच कर सकते हो। किसी को ब्रांडिंग करवानी है अपने इंस्टीट्यूट की, उसको तुम लोग पिच कर सकते हो अपने लोकल मार्केट के अंदर। सेकंडली तुम ऑनलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना करके उसको प्रमोट कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बनाना है तो तुम लोग किसी दूसरे के प्रोडक्ट्स के अफिलिएट के थ्रू सेल कर सकते हो। बेसिकली एक ई बुक बनानी है एंड देन अपने एक विनर एड ढूंढना है, विनर एड इन द सेंस जिसके अंदर तुम्हें 2-3 रुपये के अंदर एक लीड आ रही हो। जब 2-3 रुपये के अंदर एक लीड आना स्टार्ट हो जाती है, देन तुम्हें क्या करना है, उस 3 रुपये की लीड को ग्रो करना है एटलीस्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स तक। 1,000 सब्सक्राइबर्स ईमेल लिस्ट के अंदर हो तुम्हारे, 3,000 रुपये तुमने एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर स्पेंड किया, अब तुम्हें इन्वेस्ट करना है। अपेरेंटली साथ के साथ चलता रहेगा तुम्हारा फनल एक ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि हुआ तुम लोगों का, मैं बताऊं तो एवेवर हुआ, एक्टिव कैंपेन हुआ, एक्टिव कैंपेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर तुम लोग इन्वेस्ट कर सकते हो।
प्राइसिंग एकदम सेम है एवर और एक्टिव कैंपेन की, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो इससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। अब उसके अंदर तुमने इन्वेस्ट किया, अब तुमने मार्केटिंग ऑटोमेशन सिक्वेंसेस भेजना चालू की है। अभी तुम्हें ना ये चीज़ें थोड़ी भारी लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी कि है ना दूर से देखते हैं ना तो चीज़ें है ना टफ लगती है, जब एक बार करना स्टार्ट करते हैं ना तो चीज़ें है ना लाइक ओ भाई इसमें तो कुछ भी नहीं था, लाइक इस तरीके का सीन हो जाता है। दूर से सभी चीज़ें टफ लगती है। फॉर एन एग्जांपल, मैं इतने बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी वीडियोस को एडिट करता हूँ, तो स्टार्टिंग में जब पहली बार खोला था तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं बंद करके भाग गया था और अनइंस्टॉल मार दिया था। मैंने कहा ना अपने लिए फिल्मोरा ठीक है, अपने वो नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं है, फिल्मोरा ठीक है बढ़िया मस्त चलता है, बट नहीं अभी इसके अंदर इतने ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिले, इसको सीखा टाइम के साथ एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। पहली बार फेसबुक का डैशबोर्ड खोला था तब भी यही किया था, गूगल खोला था तब भी यही किया था, एंड इनफैक्ट हाँ यही किया था स्टार्टिंग में सारी चीज़ों के अंदर कि लाइक बहुत हेडेक है यार कौन करेगा। सो स्टार्टिंग में तुम्हें करना है सीखना है, पहले सीखो कोई कोर्सेज ले लो, ठीक है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कोर्सेज का, याद रखना कोर्सेज इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, खुद से सीखोगे ना तो इसके अंदर तुम्हारी मनी इन्वॉल्व है, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है ना, जहाँ पे तुम एडवर्टीजमेंट्स रन कर रहे हो, लाइक मान लो तुमने एक कोर्स लिया 1,000 रुपये 500 रुपये में, आजकल बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड्स सिखा रहे हैं बंदे 1,000-1,500 रुपये के अंदर, तुम वो कोर्सेज ले लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि ना तुम 1,000 रुपये ना 5,000 रुपये ना मार्केटिंग के जो पहला कैंपेन है ना तुम्हारा उसके अंदर ही बचा लोगे, यदि तुम्हें पता होगा कि स्प्लिट टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें किस तरीके से अपने एक विनर है ढूंढना है, वो तुम्हारा सारा पैसा बचा देगा जितना तुम एक कोर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, यदि तुम इसे लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। हमारी तरह मत करना कि लाइक खुद से सारी चीज़ों के अंदर जाओ एंड देन लास्ट में तुम्हें एक एडवांस कोर्स लेना पड़े, देन तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आए जब तुम्हारा क्लियर हो सारा का सारा विज़न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रीमार्केटिंग का अच्छे से ध्यान रखना, यदि फेसबुक एड्स के अंदर जा रहे हो तो लाइक पिक्सल छोटी सी चीज़ है अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर देना, एक लाइक वर्डप्रेस के ऊपर हो तो एक छोटा सा प्लगइन आता है उसके अंदर अपना पिक्सल कोड पेस्ट कर देना, बाकी सारी चीज़ें फेसबुक डैशबोर्ड के अंदर जाओगे तो समझ जाओगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। एंड मल्टीपल पिक्सल्स रखना, 2 या 3 पिक्सल्स अपने पापा के अकाउंट से अपनी मम्मी के अकाउंट से पिक्सल्स बना लेना, जब तुम $5,000-1,000 उसके ऊपर स्पेंड कर दोगे $3,000-5,000 के लगभग, तब तुम एक और बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर पाओगे, वो सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर जाएगी तो तुम सीख जाओगे अपने आप, एडवांस कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट अ लाइक ना अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जब तुम चीज़ें करते जाते हो तो सीखते जाते हो। एंड आई डोंट बी एवरेज मार्केटर, क्योंकि एवरेज ना बहुत बुरा होता है, एवरेज बहुत बुरा बताऊँ क्यों होता है, एवरेज कभी मत बनना अपनी लाइफ में, एवरेज बेस्ट का वर्स्ट होता है, ठीक है। तुम जो बेस्ट बंदे होते हैं ना, जो परफेक्शन होता है उसका वर्स होता है, परफेक्शन को हटाओ जो बेस्ट होता है ना उसका तो वर्स होता है एवरेज, और जो सबसे घटिया लोग होते हैं ना उसके अंदर बेस्ट होता है एवरेज, तो डोंट बी अ एवरेज पर्सन, बढ़िया मस्त मार्केटर बनो। और है ना ये सिर्फ डिजिटल टूल्स है, मार्केटिंग को समझो, मार्केटिंग एज एन साइंस समझो, डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हो, कैसे लोग सोचते हैं उनकी साइकोलॉजी को समझो, ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे बेस्ट चीज़ है, तो तुम लोग सीख सकते हो कौन सा बंदा कैसे बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, पर्सुएशन हुआ, ये सारी चीज़ें सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी डिजिटली तो सिर्फ टूल्स है ना यार, लाइक गूगल एडवर्ड्स हुआ, फेसबुक एड्स हुए, गूगल एड्स हुए, और तुम लोग जो पिक्सल्स वगैरह डालते हो, जो तुम एडवांस ट्रैकिंग करते हो, जो तुम फनल्स क्रिएट करते हो, ये सभी तो एक टूल है ना जिनको तुम लोग यूज में लेकर के सारी चीजें कर रहे हो। बाकी मार्केटिंग तो एक साइंस है ना, जब ये इंटरनेट नहीं था उससे पहले भी काम करती थी, उससे पहले जैसे काम करती थी वैसे ही इंटरनेट के ऊपर काम कर रही है, तो समझे ना इस चीज को, समझना और अच्छे से क्रिएट करना। नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर चलूँ ना, तो ना यूट्यूब एडवर्टीजमेंट्स हुआ, गूगल एड्स हुए, वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुए, वेबसाइट्स के ऊपर एड शो करना हुआ, इन शॉर्ट लाइक गूगल एड्स के सारे पार्ट है, डिस्प्ले एड, बैनर एड, इनके अंदर बाद में जाएंगे, तो जो गूगल एड्स एज एन प्लेटफॉर्म है तुम इसको भी सीख सकते हो। कुछ चीज़ों में फेसबुक एड्स अच्छा है, कुछ चीज़ों में गूगल एड्स अच्छा है, लीड जनरेशन के लिए तुम लोगों को करनी है तो फेसबुक थोड़ा सा अपर हैंडली विन कर जाता है, वेबिनार रजिस्ट्रेशन के अंदर गूगल एड्स तो एड्स थोड़े से अपर हैंडली विन कर जाते हैं, अच्छे पड़ते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन होता है गूगल के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने का, लाइक एक चैनल के बंदे को टारगेट करने का, बहुत सारी चीज़ें फेसबुक के अंदर अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो गूगल एड्स भी तुम लोग सीखो, मैं यही रिकमेंड करूँगा तुम लोगों को। अब गूगल एड्स सीखना है वही अगेन, तुम किसी का भी कोर्स ले सकते हो, नो डाउट, नो ग्रजेस, कोर्स ले लो, कोर्स लेने के बाद ना सीखो, उसको सीखने के बाद तुम कहाँ से पैसा कमाओगे। अब देखो यार YouTube एडवर्टीजमेंट्स, जब तुम YouTube चैनल स्टार्ट करते हो तो YouTube से पैसा कहाँ से आता है, इनिशियली YouTube एड्स के थ्रू। अभी मैंने अपने चैनल के ऊपर एड्स नहीं लगाए हैं, ऑल द 4000 आवर्स का पोस्ट टाइम हम लोगों का बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, देन हम लोग देखेंगे एड्स कब स्टार्ट करने हैं,
बट जो एड्स यूट्यूब वीडियोस के ऊपर तुम लोग देखते हो वो गूगल एड्स के अंदर जाकर के कंपनीज लगाती है, अच्छा पैसा पे करती है एजेंसीज को, मार्केटिंग एजेंसीज को। जैसा मैंने तुम लोगों को बोला था कि तुम अपनी एजेंसीज खोल सकते हो अपेरेंटली आगे जा करके, अब वो उनका एड लगाती है, एड यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर चलता है। अब 45% जितना भी कंपनी, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैं यूट्यूब गया, गूगल डैशबोर्ड के अंदर गया, गूगल एड्स के अंदर गया, अब जा करके मैंने पे किया यूट्यूब को कि लाइक गूगल को कि यूट्यूब के ऊपर मेरे ये एड्स देखने चाहिए। अब मैंने मान लो से 100 रुपये पे किया तो 100 में से 45 रुपये, 45 रुपीज़ गूगल खुद रखता है एंड 55 रुपीज़ क्रिएटर को दे देता है जिसकी वीडियो के ऊपर एक ऐड चल रहा होता है। इस तरीके से ये सारा सीन वर्क करता है। 45% गूगल रखता है शेयर्स एंड हाँ तुम्हें दे देता है 55%। यदि तुम्हारा फुल्ली होस्टेड अकाउंट है तो देन वो रेवेन्यू लाइक वेबसाइट के अभी तुम लोग लिंक करते हो ब्लॉगर को तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट यूट्यूब के ऊपर मेजरली ऐसा ही सारा सीन है। तो ये सारी चीज़ हुई मोटी मोटी कि किस तरीके से काम करता है गूगल का सारा सिस्टम। अब तुम लोगों को मैंने मोटे मोटे सारे टिप्स बता दिए, अब इनिशियली मेरी एक टिप सुनो। तुम लोग जाओगे, तुम लोगों ने स्किल सीख ली, स्किल सीखने के बाद ना लाइक बंदों को पेज करो। लाइक पेज कैसे करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करो, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके तुम लोग जा सकते हो। डीएम करने के अलावा तुम लोग जो ऑप्शंस चूज़ में ले सकते हो वो हम मेल, तुम मेल कर सकते हो लोगों को जो तुम्हें काम दे सकते हैं, जिनको काम की ज़रूरत है। तुम लोग फॉलो करो अपने मार्केट को, तुम लोग ट्विटर के ऊपर जा सकते हो, ट्विटर के ऊपर अपने फील्ड से रिलेटेड हैशटैग सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग सर्च कर सकते हो। कुछ हैशटैग्स हुए जैसे कि एडिटर रिक्वायर्ड, वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड, तो तुम्हें ना ये क्लाइंट मिल गया। यदि तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है तो ये तुम्हें एक क्लाइंट मिल गया। अब तुम उसे पिंग करो, पिंग करके बोलो ओके मैं एक मार्केटिंग एजेंसी हूँ, मैं एक पर्सनल ब्रांड हूँ, मैं एक पर्सनल बंदा हूँ जो एडिटिंग कर रहा है, ये मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं, यहाँ यहाँ पे देख लीजिए मैंने कैसा काम किया हुआ है, ये मेरी कुछ एडिटेड वीडियोज़ का सैंपल से एक वेबसाइट बिल्ड कर लो, उसके ऊपर अपने टेस्टिमोनियल्स डाल दो एंड देन सामने वाले को यदि तुम्हारा आर्ट वर्क पसंद आता है, तुम जैसी एडिटिंग करते हो ये सारी चीज़ें पसंद आती है, आर्ट वर्क के अंदर यदि तुम लोग डिज़ाइंस वगैरह करते हो वो पसंद आता है तो भी तुम उनसे चार्ज कर सकते हो उनका आर्ट वर्क बनाने का और लाइक वीडियो एडिट करने का, वेबसाइट बनाने का। ये सारा मोटा मोटा सीन हुआ इनिशियली। अभी के लिए तुम ना पहले स्किल सीखो एंड देन पैसा कमाओ, ठीक है? और अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लॉकडाउन होपफुली अभी 2 या 3 महीने और एक्सटेंड होगा ही होगा, अनलॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है तुम्हारे स्कूल्स कॉलेजेस स्टार्ट कर दिए जाए 2 से 3 महीने बाद, तब तक का जो तुम लोगों के पास टाइम है उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके अच्छी चीज़ें सीखो। एंड हाँ, कमेंट्स के अंदर बताना मॉन्क लर्निंग के ऊपर एक वर्डप्रेस का कोर्स लेकर के आया जाए, वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है उसका कोर्स लेकर के आया जाए या नहीं करके आया जाए। जब वो कोर्स तैयार हो जाएगा तुम लोग जा करके देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। फेसबुक एड्स की वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर लाने वाला हूँ, गूगल एड्स के रिलेटेड वीडियोस में यूट्यूब के ऊपर लाने वाला हूँ। कमेंट करो, इंटरेस्ट बताएगा तुम लोगों का कमेंट करके कि तुम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आएंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू वेरी सून इन अ फ्यूचर वीडियो। लाइक कर देना, कमेंट्स बताना, किसी लिए शेयर करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस वेरी सून।